है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किसी भी Android फोन पे आप कस्टम रोम कैसे डाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आप जिस कंपनी का Android फोन चलाते हैं उसका बूट लोडर को आपको अनलॉक करना पड़ेगा। बूट लोडर अनलॉक करने के लिए सपोज आप MI का फोन चलाते हैं तो MI अकाउंट के थ्रू आप अनलॉक कीजिए, Realme अकाउंट के थ्रू, Samsung अकाउंट के थ्रू, Motorola, सभी ब्रांड का आप पहले तो अनलॉक कीजिए। अनलॉक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको बूट लोडर चेंज करना है, यानी कि रिकवरी चेंज करना है। तो रिकवरी चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, अपने फोन को डेटा केबल से कनेक्ट कर लीजिए, जो विंडो आप यूज करते हैं उस विंडो का एंटीवायरस बंद कर दीजिए। इसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में ओपन कीजिए। उसके बाद अब आप कमांड लगाइए, इसके बाद आप कमांड कॉपी कर लीजिए। अब इस कमांड को आप पेस्ट कीजिए कमांड प्रॉम्प्ट पे, तब आपको दिख जाएगा कि आपका जो फोन है वो अच्छी तरीके से कनेक्ट है कि नहीं। और अगर ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके पास ये मैसेज सपोज नहीं आता है, तब आप ये ध्यान दीजिएगा आपका जो फोन डेटा केबल से कनेक्ट है इसमें एक परमिशन का मैसेज आएगा अलाउ करने का, आप इसे अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद ये कॉपी पेस्ट कीजिए, तब आपका सक्सेसफुल अटैच हो चुका है, ये आ जाएगा। इसके बाद आपको अगला कमांड लगाना है। अगला कमांड ये है कि आपका जो ओरिजिनल जो डिफॉल्ट कंपनी वाला बूट लोडर है उस पे आपको पहले तो ये बूट करेगा। तो जैसे ही आपने ये कमांड एंटर किया है, अब आप देखेंगे कि ये मोबाइल जो है ये फास्ट बूट मोड में आ गया है, रिकवरी मोड पे। अब इसके बाद आपको अगला कमांड लगाना है, अब आपको फ्लैश करना है आपका डाउनलोड किया हुआ कस्टम रिकवरी। जैसे ही आप ये कमांड को एंटर करेंगे, आप देखेंगे कि यहां पर आपका रिकवरी इंस्टॉल होने लग जाएगा और यहां पर इस टाइप का मैसेज आ जाएगा कि सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। देखिए काफी मिली सेकेंड्स पे ये इंस्टॉल हो जाता है इंस्टेंटली, क्योंकि बहुत छोटा होता है। अब इसके बाद सक्सेसफुल इंस्टॉल होने के बाद ये अभी भी फास्ट बूट मोड में है। अब हम अगला कमांड पे जाएंगे जिससे हम रिकवरी को में नया जो आपने इंस्टॉल किया उस रिकवरी में बूट करके देखेंगे कि सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। जैसे ही आप ये कमांड लिखेंगे उसके बाद आप यहां पर देखेंगे कि पीसी आपका बूट होने लग जाएगा। देखिए सक्सेसफुल होने के बाद ये यहां पर देखिए ये बूट हो चुका है, टीम विन यानी कि TWRP रिकवरी पे ये बूट हो गया है। मैं फर्स्ट यूजर इंटरफेस आपको इसका दिखा देता हूं कि ये रिकवरी कैसा दिखता है। ये कुछ सेकंड का, फ्यू सेकंड्स का टाइम लेगा, ज्यादा नहीं, लेस देन अ मिनट लेगा। तो देखिए इस टाइप का ये यूजर इंटरफेस आ चुका है। अब हमें अगला काम करना है, लेजी फ्रेश को फ्लैश करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ कुछ मॉडल्स पे कि TWRP यानी कि कस्टम रिकवरी थोड़े दिन के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, यानी कि उड़ जाता है। तो ये ना डिलीट हो इस वजह से हम लेजी फ्लैश को फ्लैश करेंगे। तो अब आप सबसे पहले लेजी फ्लैश इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल मेन्यू में जाइए। अब ये देखिए ये पूरा इंटरनल मेमोरी आपका खुल चुका है फोन का, इसे आप जल्दी से स्क्रॉल करेंगे, ये रहा लेजी फ्रेश वाला फाइल, इसे जस्ट आपको सेलेक्ट करके स्वाइप कर देना है। जैसे ही आप स्वाइप करेंगे ये इंस्टेंटली इंस्टॉल हो जाएगा क्योंकि काफी छोटा फाइल होता है। इसके बाद क्या है, आपका TWRP ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होगा। अब आप एक काम कीजिए, अब अपने फोन को एक रिबूट कर लीजिए,